अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ जिसका नाम है कलब सैंडविच। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान बनने वाले सैंडविचेस हैं। आप लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप लोग टी पार्टी में भी ये बना के रख सकते हैं, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जी, सबसे पहले अपने ब्रेड लेने हैं, इसके किनारे कटिंग कर लेना है। ये जो इसके किनारे आप काट रहे हैं, इसे ज़ाया मत कीजिएगा। इसके आपने ब्रेड क्रम्स बना के रखिएगा, घर पे बहुत ही चीज़ों में काम आते हैं। तो सबसे पहले आपने किनारे कटिंग कर लिए ब्रेड्स को, और उसके बाद मैंने बारीक बारीक गाजर, बारीक बारीक मैंने बंद गोभी कटिंग की है, और इसमें मैं डालने लगी हूँ मायोनीज़। और इसके साथ मैंने ऐड किया है चिकन, जो आप लोग नमक में बॉईल करना चाहें तो कर सकते हैं, और कोई भी कंपनी की चिकन भी लेके फ्राई अगर हो आप लोग वो करके डाल सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मायोनीज़ और थोड़ी सी काली मिर्च। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया और मैं डालने लगी हूँ इसके ऊपर मोसरीला चीज़, जो बहुत ही यमी लगती है। अगर ये चीज़ों में हो तो बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो इसके साथ मैंने 2-3 एग बॉयल किए थे और मैंने इसे राउंड राउंड कटिंग कर ली है। और यहाँ पे मैं ब्रेड को अच्छी तरीके से क्रिस्पी कर रही हूँ ऑयल के साथ, ताकि ऑयल लगा के इसे अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो जाए। आप लोग पैन में आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उस पर आप फ्राई कर लें। तो ये जी क्रिस्पी हो चुके हैं हमारे ब्रेड, और मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ केचप, वो डाल के अच्छे तरीके से फैला रही हूँ। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ खीरा, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ा आता है। अगर नहीं है पसंद तो स्किप कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर फिर से एक ब्रेड रख रही हूँ। ये ब्रेड बहुत ही क्रंची है, आप लोग इसी तरह क्रिस्पी करके फिर आप इसकी फिलिंग कीजिएगा। और मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ चिकन, बंद गोभी, मायोनीज, बारीक बारीक गाजर, और उसमें मैंने डाली थी थोड़ा सा काली मिर्च। तो वो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके इस ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का सैलेड हमारा रेडी हो जाता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और मैं इसके ऊपर रख रही हूँ बॉयल एग, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बॉयल एग खाने चाहिए, और सैंडविच में तो बहुत मज़ा आता है। अगर सैंडविच में एग हो बॉयल तो खाने में बहुत मज़ा आता है, इसका टेस्ट बहुत डबल हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ चीज़, और ये मैंने इसके ऊपर फिर से ब्रेड रख दी। जब बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है, मैंने स्लाइस में रखा है चीज़, आप किसी भी उसमें रख सकते हैं, मोज़रेला चीज़ रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इससे बर्गर जैसा टेस्ट आता है। तो माशाल्लाह से ये हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं, मैं अभी इसे कटिंग करूँगी। आप लोग चाय के साथ बर्थडे पे पार्टी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वैसे भी नॉर्मल बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। माशाल्लाह से हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं, ये बहुत ही यमी है। और इसके ऊपर मैं केचप डालने लगी हूँ ताकि दिखने में भी खूबसूरत, आप भी इसी तरह कटिंग करके मेहमानों के सामने, घर वालों के सामने पेश कीजिएगा, तो खाने का मज़ा डबल हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।